वाराणसी के लोहता क्षेत्र अंतर्गत भरथरा रोड निकट लोहता रेलवे क्रॉसिंग लोहता वाराणसी में बाबा मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साबरी के द्वारा जादू टोना किया। बमादेश जिन जिन्नात ऊपरी बाबा शैतान खब्बीस कण पिशाचिन शादी में बदल कारोबार बंद होना काम में मन ना लगना ग्रह कलेश मकान दुकान की बंदी पति पत्नी में प्रेम ना होना भागे हुए व्यक्ति को बुलाना इत्यादि समस्याओं की सटीक जांच व उचित इलाज करते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ जितने भी पीड़ित रोगी आते हैं उनको इन सब चीजों से निजात दिलाते हैं। आए हुए रोगियों से बातचीत करने के बाद ये पता लगा कि कई ऐसे लोगों को खूब फायदा हुआ है। लोगों से मोबाइल नंबर 81 14 19 29 84 पर बात करके आप भी अपनी समस्या का निदान पा सकते हैं। मैं वाराणसी का ही रहने वाला हूँ। अलहमदिल्ला पहले मैं अपने मदरसे में पढ़ा, दुनियावी और दीनी दोनों तालीम पहले मैंने हासिल किया अलहमदिल्ला। मैं इंटर भी किया और उसके बाद देखा कि मैंने अल्लाह की बहुत सारी मखलूक इस ज़मीन पर बहुत परेशान हाल है, कोई किसी दुख से, कोई कारोबार को लेकर के, कोई अपने दुकान मकान को लेकर के, कोई ऊपरी भादा को लेकर के, कोई अपने पति पत्नी बहू ये सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी परेशानी के आलम में लोग गुजर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है सोचा कि क्यों ना मैं इस वैदिक शक्ति को खुद प्राप्त करूं, ताकि प्रभु की जो भक्त हैं उनको इससे लाभ मिल सके। बस इसी मकसद के तहत मैं यहाँ बैठता हूँ और बिंदास होकर के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम से मैं मरीजों को देखता हूँ, जो उनकी समस्याएं होती हैं मैं उसको सुनता हूँ और सुनने के बाद जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं उनका समाधान करने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह शफा देता हूँ। ये बाबा जी ये बताइए कि इसमें क्या आपने कोई सिद्धि प्राप्त किया है या कैसे? जी इसके लिए हम लोगों ने अपने घर में गुरुओं से रब्ता किया जो इसमें महारत रखते थे और महारत के साथ साथ इस काम को अंजाम भी देते थे। उनकी शरण में जाने के बाद उन्होंने हमको दीक्षा देना शुरू किया। काफ़ी तपस्याएं उन्होंने करवाया, कई तपस्याएं करवाने के बाद जो है तब जा करके जो है कुछ चीज़ों का ज्ञान इल्म का हम लोगों को हुआ, जिसकी वजह से हम लोग जनता की सेवा करते हैं। हाँ तो बाबा जी हमें ये बताइए कि किन किन चीज़ों का आप जो है किन किन चीज़ों से निजात दिलाते हैं उसके बारे में हमें विस्तृत रूप से बताएं। जैसे यहाँ पर वैदिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वैदिक समाधान किया जाता है और जिस तरीके से किसी के घर में कोई क्रियाक्रम कर दिया या किसी पर ब्रह्म आश्रय लागू हो गया, उसके ऊपर चढ़ गया या कर्ण पिशाचिनी कोई किसी ने उसको अपने कब्जे में करना चाहा, कब्जे में तो हो गई लेकिन इसके बावजूद उसकी अगर बात नहीं सुनते हैं तो वो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो परेशान करना शुरू कर देती है। उससे भी निजात दिलाने की हम लोग कोशिश करते हैं और उसका भी समाधान करते हैं। साथ ही साथ घर में बरकतें ना होना, कारोबार का ठप हो जाना, मियाँ बीवी में मोहब्बत प्यार ना होना, आए दिन लड़ाई झगड़ा होना, गृह क्लेश होना है और इसके बाद घर से कोई रूठा हुआ बंदा भाग जाए लड़ाई झगड़ा करके, लड़की हो चाहे लड़का हो या आदमी हो, जेंट्स हो फीमेल हो कोई भी हो, उनको वापस बुलाया जाता है। और जैसा कि बाबा जी ने कहा कि जैसे कोई बिछड़ गया है या पति से पत्नी का बनता नहीं है अनबन हो जाती है और जैसे कि रोगों में, तो आइए आप हम मिलते हैं इनके ऐसे भक्त से या शिष्य कह लीजिए या भक्त कह लीजिए, अपना नाम बताइए। सावित्री जी हैं। क्यों यहाँ आई हैं, किस लिए? हमने आया है अपने दुख के लिए आए हैं। क्या तकलीफ था? तकलीफ यही था कि हमने पूजा पाठ करे वाली, हमारा दिमाग जो पूजा में पहले लगता था अभी साल भर के नहीं लगता है, कुछ हमको लगता नहीं, कुछ नहीं दिखाई देता, तब पूजा मन नहीं लगता है। तो हमने कोई बताया तो हमने यहाँ पर आए बाबा जी के लग गए,
तो बाबा जी के लगे आए तो भाई 3 दिन से आ रहे हैं, कुछ हमको राहत मिल रहा है। कुछ फायदा हुआ? हाँ फायदा हो रहा है। झूठ मूठ का इसी तरह आते नहीं, झूठ मूठ नहीं बोलते। सही चीज बताइए, हम झूठ नहीं बोलते हैं। कुछ फायदा हुआ? हाँ फायदा। कैसा फायदा हुआ? मतलब फायदा पूजा में ऐसा है कि हमारा मन जो की अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है, क्योंकि हम लोग 5 मिनट 10 मिनट नहीं बैठते थे, जिसे देख कर हमारा हट जा मन, मगर अब जो है तुम्हारा 1 घंटे 2 घंटे तक बैठते हैं। देख लिया, इन्होंने बताया कि जो है अभी हम 3 दिनों से आ रहे हैं बाबा के पास, और हमें काफ़ी जो है आराम मिला है, और जो आइए और एक शख्स ऐसा मिलते हैं जो वो क्या कहती हैं आप लोग के सामने, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। सलमा। अच्छा, क्या आपको क्या हुआ था? हुआ नहीं था, हमारा लड़का मतलब काम धंधा बंद कर रहा है, बाबा के पास आए हैं, आराम है। लड़का खो गया था? नहीं, लड़का खोआ नहीं था, हमारा लड़का काम नहीं करता। अच्छा, काम नहीं करता था। बुद्धि उसकी वो हो गई थी, काम में जाता था, भाग गया। कुछ फायदा हुआ है? हाँ आराम है। आपका नाम क्या है? आजरा। आजरा, क्या बाबा के यहाँ आने से कोई फायदा हुआ? दवा कर रहे हैं, कहीं से लाभ नहीं हो रहा है। यहाँ आने से फायदा हुआ? हाँ। आपको कुछ फायदा हुआ? हुआ। आप बताइए। आइए, हम यहाँ बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी भी हैं, उनसे भी मिलता हूँ। जी, आप अपना परिचय बताएं। हाँ, ये यहाँ बाबा के यहाँ आए हैं, क्या यहाँ आने से कुछ फायदा हो रहा है या नहीं? अच्छा, उन्हीं के संग है। चलिए चलिए, ठीक है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम बाबा के संग रह करके उनका हेल्प करते हैं, तो आइए एक बच्ची से मिलते हैं, देखिए देखें वो क्या करती है। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम है कैकशा बानो। अच्छा। मेरा सर दुखता था, यहाँ से आने से मन बहुत अच्छा हुआ। फायदा हुआ? अब सर नहीं दुखता है? नहीं। चलिए देखिए, सबकी बातों को जाना, कुछ सच्चाई पाई गई, और सच्चाई मिलने के बाद अब आगे देखते हैं। आगे भी मैं आता रहूँगा और लोगों से मिलता रहूँगा, देखें लोगों को फायदा हो रहा है या नुकसान। अभी उस जड़ तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, और आगे जो है इनके श्रद्धालुओं से या जो आए हुए भक्त कह लीजिए, उनसे मिलूंगा और जानकारी आगे भी लेता रहूंगा। नमस्कार। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।